क्वेश्चन है जेई एडवांस 2011 का। क्वेश्चन कह रहा है लेट एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ टैन इनवर्स साइन थीटा अपॉन अंडर रूट कॉस 2 थीटा, वेयर थीटा लाइज बिटवीन -π/4 टू π/4। वो इसलिए दिया है ताकि जो गिवन फंक्शन है वो डिफाइन हो सके। ठीक, देन द वैल्यू ऑफ डी अपॉन डी टैन थीटा ऑफ एफ थीटा। ठीक है, तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको लिखो साइन ऑफ, इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो इसको लिख लिया साइन थीटा, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा और बेस स्क्वायर, तो अंडर रूट कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा ही आएगा, और कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लिख लेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमने लिख लिया इसे। अब आप देखो साइन ऑफ साइन इनवर्स साइन स्क्वायर थीटा से ये कट कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन अंडर रूट हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा है, इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स टैन थीटा। अब आप देखो इसको क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा, ठीक है, ओके। अब आपके पास डी एफ थीटा अपॉन टैन थीटा कह रहा है, डी एफ थीटा अपॉन डी ऑफ टैन थीटा, तो क्या आ जाएगा, एफ थीटा कितना है, टैन थीटा के बराबर, ठीक है, तो जिसके टर्म में डिफरेंशिएट करो और वही टर्म है तो इसका मतलब उसका वन आएगा, ठीक है, जैसे डीएक्स अपॉन डीएक्स तो वन आया, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हुआ, वन हुआ। तो इस कदर इसको सॉल्व करना था। 2011 में ऐसे भी मैथमेटिक्स का काफी आसान क्वेश्चन आया था।